मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक सभागार में सभी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकलांग व्यक्तियों के साथ दिव्यांग विभाग के पदाधिकारियों ने एक मीटिंग का आयोजन कर जांच की। ब्लॉक सभागार में पहुंचे विकलांगों की जांच कर सभी के फॉर्म भरे गए। जिन व्यक्तियों के हाथ या पैर नहीं है उनको प्लास्टिक के उपकरण के रूप में हाथ पैर दिए जाएंगे ताकि उन्हें थोड़ी आने जाने में या कुछ करने में बॉडी राहत मिल सके। जो बिल्कुल ही नहीं चल सकते या उठ नहीं सकते उन विकलांगों के लिए दिव्यांग विभाग के अधिकारियों द्वारा चेयर ये बैसाखी भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें सभी पहुंचे विकलांगों के फॉर्म भर जल्द ही उनको दिव्यांग विभाग द्वारा उपकरणों के भरे फॉर्म पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सूचना देकर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। नाम मोहम्मद सलमान है जी, और आज ये मुंडा पांडे ब्लॉक में विकास खंड इसमें कैंप लगा है विकलांगों के लिए, जिसमें कि इसमें ये हो रहा है कि विकलांगों जैसे जिनका हाथ पैर कटा है या पोलियो वाले हैं तो जिनको हाथ पैर की आवश्यकता है उनको हाथ पैर लगा दिया जाता है, जिनको जो पोलियो वाले एक पैर से तो उनको कैलिपर्स वगैरह, और जो बिल्कुल ही चल नहीं पाते या जिनके पैर और ख़राब है तो उनको ट्राईसाइकिल व्हील चेयर बैसाखी ये सब के लिए फॉर्म आज भरा जा रहा है। तो इनको जब फॉर्म भर जमा हो जाएगा फिर इसके बाद इनको कॉल करके बुला के इनको उपकरण दे दिया जाएगा। कितने फॉर्म होंगे लगभग अभी? आज लगभग अभी जो फॉर्म भरे गए हैं वो 102 के तकरीबन पहुंच गए हैं, अभी और भी लाभार्थी आ रहे हैं। सिर्फ किसी कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी की तरफ से है। तो ये कैंप का आयोजन किया गया। सर पहली बार लगा मुंडा पांडे में, इससे पहले भी कभी लगा था? इससे पहले भी लगा था, लेकिन इससे पहले जो लगा था और अब जो लगा है और भी कैंप लगेगा तो उसके लिए प्रधान को कॉल कर दी जाती है, सूचना दे दी जाती है, जिसके जब प्रधान को सूचना दे दी जाती है तो प्रधान गांव में बता देते हैं कि इस दिन कैंप लगना है, तो कैंप तो लगते ही रखते रहते हैं। ठीक है सर।